अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतों, मेरा नाम है सात और आज काफी अरसे के बाद मैं टेक नामा वापस लेकर आ रहा हूं, तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आप में से जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें टेकनामा का नहीं पता, तो बेसिकली मेरी एक सीरीज थी बहुत पुरानी जिसके अंदर मैं टेक न्यूज़ दिया करता था और बाद में मैंने टेक न्यूज़ को 3 मिनट के अंदर देना शुरू कर दिया था क्योंकि मैंने देखा था कि और टेक चैनल्स जो टेक न्यूज़ देते हैं वो काफ़ी लंबी वीडियोज़ होती हैं 10 से 15 मिनट, जिसमें जो होता है व्यूअर उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेक न्यूज़ विद इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के अंदर मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम टेक न्यूज़ आपको दे दूँ और साथ साथ मैं 3 मिनट के टाइम को पूरा भी कर सकूं। तो 3 मिनट पहले का टाइम 2 मिनट था, अब मैंने बढ़ा के 3 मिनट किया है क्योंकि जिसमें थोड़ी सी डिटेल बात भी हो सकती है। तो हम आज यही अटेम्प्ट करते हैं कि 3 मिनट के अंदर टेक न्यूज बनाते हैं और अगर ये आइडिया अच्छा चला और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इस तरह की और वीडियोज आपको मिलती चली जाएंगी, बेसिक डेली या 1-2 दिन के बाद भी आपको वीडियोज मिल जाया करेंगी। अब ऐसा करते हैं कि 3 मिनट का टाइमर आप लोगों के सामने लगाते हैं, मैं भी मोबाइल पर 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट करता हूँ और दोनों अब कैलिब्रेट करके चलते हैं 3 मिनट का टाइम देखकर। फिर मैंने अपने मोबाइल के ऊपर 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट करने लगा हूं। 1, 2, 3, go। तो पहली खबर जो हमारे पास इधर निकल के आ रही है वो है Zong की सुपर वीकली ऑफर, और ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब 4G डाटा प्लान्स या 3G डाटा प्लान्स पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जो हैं सस्ते हो रहे हैं। इस सुपर वीकली ऑफर के अंदर आपको मिलेगी 13 रुपये प्लस टैक्सेस के अंदर 3000 MB का नेट पूरे एक वीक के लिए, मतलब कि 13 प्लस टैक्स का मतलब हो गया कि आपको 16-17 रुपये पड़ेंगे और पूरे वीक में आप 3 GB का जो डाटा है उसे इस्तेमाल कर सकेंगे और आराम से 3 GB का डाटा जो है अगर आप कम यूज करते हैं डाटा तो निकल जाएगा और अगर ज्यादा करते हैं तो आधा वीक तो आपका कम से कम बचा जो के निकल जाएगा। याद रखा जाए Zong वही कंपनी है जिसने WhatsApp फ्री कर दिया है अपने डाटा के ऊपर। आपके पास डाटा प्लान के अंदर पैसे हो ना हो, आपको Zong की कॉल, मैसेजेस भेजना, पिक्चर्स भेजना, वीडियोस भेजना या स्टोरीज लगाना सब कुछ फ्री है। जो दूसरी खबर हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है वो थोड़ी सी जो है वो एक मेरे लिए अजीब सी खबर है क्योंकि इसके अंदर हमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की वेबसाइट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब डिफरेंट जो हैकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने रिसेंटली PTI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर एक हैकिंग का अटैक किया है और ये अटैक सक्सेसफुल रहा है और उनकी PTI की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसे हैक कर लिया गया है। याद रखा जाए कि ये जो अटैक है PTI की वेबसाइट के ऊपर पिछले हफ्ते भी किया गया था ट्यूसडे को आई गेस, और एक और अटैक इस बार दोबारा कर दिया गया। साइबर अटैकर पाकिस्तान के नाम से कोई अटैकिंग हैकर्स हैं जिन्होंने इस पॉलिटिकल साइट को हैक किया है। अब PTI वालों को चाहिए कि इसके ऊपर पैच करें और वो कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें तो वो आपको यूट्यूब के चैनल पर रीडायरेक्ट कर देती है। तो इस टाइम वो बेचारे दोबारा से सिक्योरिटी पैच ले रहे हैं और मैं उनको यही कहूंगा कि एक ज़्यादा सिक्योर डोमेन खरीदें क्योंकि PTI जो है वो एक लीडिंग पार्टी है और उसकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर होनी चाहिए। अब तीसरी खबर जो मेरे पास निकल के आ रही है ये भी एक अच्छी खबर है कि Xiaomi ने खोल लिया है अपना स्टोर मुल्तान के अंदर। पहले लाहौर के अंदर खोला, उससे पहले फैसलाबाद के अंदर खोला गया। लाहौर वाले में मैंने उन्हें कहा भी कि यार मुझे इनवाइट कर लो, मैं आ जाता हूँ, वीडियो बना लूंगा, नहीं बुलाया। अब मुल्तान में Xiaomi ने एक और अपना स्टोर को लॉन्च कर दिया है जो कि बिल्कुल एप्पल की तरह एक स्टोर लगता है Xiaomi का, जिधर आपको उनके फोन्स और हर अप्लायंस जो आपको ऑनलाइन मिलती है उनकी मी स्टोर या xiaomistore.pk के ऊपर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उनके स्टोर के अंदर। जो अगली खबर निकल के आती है वो WhatsApp बिजनेस ऐप के बारे में है। WhatsApp मैसेजिंग के ऊपर तो बिजनेस काफ़ी चल रहे थे लोगों के, डिफरेंट फेसबुक वाले कहते थे कि हमें मैसेज करें WhatsApp पे और हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब WhatsApp बिजनेस की वेबसाइट कह रहा हूँ सॉरी ऐप क्या करती है कि आपको एक प्रोफेशनल लुक दे देती है WhatsApp मैसेंजर का, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हो, अपने क्विक रिप्लाइज डाल सकते हो, साथ में आपको एक वेरीफाइड का बैच भी मिल सकता है अगर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को वेरीफाई करा लो बिजनेस के लिए। और अगर आप WhatsApp मैसेंजर भी अपने उस नंबर पर यूज़ करते हैं तो साथ में WhatsApp वेब की ऐप भी यूज़ कर सकोगे और अपने क्लाइंट और अपने कस्टमर से ज़्यादा प्रोफेशनली बात कर सकोगे और यह ऐप आपको काफ़ी मदद दे सकती है। अब हमारा टाइमर तो इधर खत्म हो गया मगर साथ में मैं आपको एक और खबर भी देता चलूं कि वन प्लस
जो कंपनी है उसके अंदर जिसने भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू मोबाइल फोन खरीदा या उनकी कोई चीज खरीदी थी, अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड जो है उनके उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी कस्टमर्स की। 40,000 कस्टमर्स जो थे जिनके क्रेडिट कार्ड का डाटा लीक हो गया था, और इसके ऊपर वन प्लस ने एक अपॉलोजी लेटर भी दिया अपने सारे कस्टमर्स को और कहा कि हम अपने साइबर मॉनिटरिंग को हायर कर रहे हैं जो कि आपकी क्रेडिट की डिटेल्स को देखेगा, साथ में हम साइबर सिक्योरिटी वालों को भी हायर कर रहे हैं दोबारा से नए जो कि सिक्योर बनाने की कोशिश करेगा आपकी परचेज को या आपकी क्रेडिट कार्ड को। साथ में उन्होंने अपोलोजाइज किया इस चीज के लिए। आज मैंने कोशिश की कि हम 3 मिनट के अंदर ये कर सकें, मगर पहला दिन था, चलो छुट्टी देते थे पहले दिन में, इसको बेहतर बनाएंगे नेक्स्ट टाइम से और ज्यादा 3 मिनट के अंदर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपका ये मेरा आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप अगर ये इस तरह की टेक न्यूज देखना चाहते हो तो मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, अगर कोई बात हो तो डिसलाइक करके मुझे नीचे बता दीजिए क्या बात है और मैं जरूर आपका कमेंट देखूंगा, पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।